अब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र में लगी हुई है इस काम के लिए कि किसी तरह एक कानून बने और उस कानून के आधार पर यह काम महाराष्ट्र में चले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नई सरकार महाराष्ट्र में आती है, नरेंद्र दाभोलकर और उनके मित्र वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं, श्याम मानव। तो एक श्याम मानव और एक नरेंद्र दाभोलकर, ये दोनों मिलकर हर नई सरकार के पास जाते हैं और उनके सामने यही दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि भारत समाज में बहुत अंधश्रद्धा है, इसको मिटाना ही चाहिए और भारत को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, इसके लिए कानून की जरूरत है। ये वो पिछले 20 साल से रोना गाना कर रहे हैं, हर नए मुख्यमंत्री हर नई सरकार के पास जाना, और हर बार उनको कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है मुख्यमंत्रियों को कि नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। अभी उन्होंने ये बिलासराव देशमुख और आर आर पाटिल की सरकार में यही पिछले 2-3 सालों से किया हुआ है और दुर्भाग्य से दोनों ने उनको हां बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी ये कानून पास कर देंगे। तो अब आप जानते हैं हुआ क्या कि आर आर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को कहा कि अच्छा ऐसा करिए, आप ही ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, हम उसी को कानून बना देंगे। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि हम जो अपने को हिंदू मानते हैं, हमारी तरफ से अभी तक आर आर पाटिल और बिलासराव देशमुख को कोई नहीं मिला। तो वो क्या मानते हैं बिलासराव देशमुख और आर आर पाटिल? वो ये मानते हैं कि अच्छा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया नरेंद्र दाभोलकर और उनसे, अब उसको कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने प्रावधान के रूप में डाली हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा लगेगा जब ये कानून बन जाएगा कि क्या तकलीफ आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है भारत के उन साधु संतों को जो गांव-गांव विचरण करते हैं और लोगों को कुछ धर्म के बारे में सिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं या कुछ ज्ञान देते रहते हैं। उनका अपनी आजीविका भिक्षा पर चलती है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन में सबसे खतरनाक जो प्रावधान है वो ये कि इस कानून के बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा में कोई भी साधु संत अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको भिखारी माना जाएगा, और जैसे भिखारियों के प्रति पुलिस का व्यवहार है वही साधु संतों के लिए किया जाएगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह कानून है कि आप भीख नहीं मांग सकते, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप भीख मांगेंगे पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। तो हमारे यहां ये जो हजारों साधु संत अब गांव-गांव घूमते भीख मांगते अपना जीवन चलाते हैं भिक्षा के आधार पर, वो अब अंधश्रद्धा होगा इस कानून के हिसाब से। आर आर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो कुछ खास अकल नहीं है, ये मैं आपको अभी कहता हूं और पब्लिकली भी कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो विदेशी पैसे पर काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके दिमाग में भिक्षावृत्ति और भिखारीपन, इन दोनों का अंतर ही नहीं है। हमारे यहां भिक्षावृत्ति सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म। जब आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं और भिक्षा पर आधारित जीवन चलाने लगते हैं तो यह सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है इस देश में। आप में से अगर कोई जैन समाज के हो तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ स्वामी से लेकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, और तब माना गया कि वो सबसे ऊंचे उठे। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो अपना जीवन चलाने के लिए उनको भिक्षा चाहिए और भिक्षा पर ही अपना पूरा जीवन उनको बिताना है। तो 24 के 24 तीर्थांकर पूरे समय भिक्षा पर जीवन बिताते रहे। अब उसी जैन समाज के जो आदर्श साधु संत हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनका पूरा जीवन भिक्षा पर ही चलता है। तो इस कानून के बनते ही सबसे पहली मार पड़ेगी वो जैन समाज के साधु संतों पर, क्योंकि वो जहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करके
जेल में डाल सकती है। फिर क्या होगा, बवाल होगा, थोड़ा बवाल होगा तो मुख्यमंत्री कहेगा कि अच्छा चलो इसमें संशोधन करें। तो संशोधन की उनकी तैयारी क्या है कि सरकार हर एक साधु संत को एक सर्टिफिकेट देगी, अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो भिक्षा मांग सकते हैं, नहीं है तो जेल जा सकते हैं। मूर्खों के मूर्ख इस देश में शासन कर रहे हैं। माने साधु संतों को सरकार एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे ये हमारे गले में लटका हुआ है ना, ऐसा ही साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं। ये उसमें संशोधन आ जाएगा और वो संशोधन तैयार रखा है उनका। ये उनको मालूम है कि कानून पारित होते ही जैन समाज बवंडर करेगा इस पे, और जैन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज से ही मिलता है और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज से मिलता है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज देता है, महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज देता है। सरकार को अंदाजा है कि ये कानून घोषित होते ही जैसे ही लागू होगा तो जैन समाज तो तिल मिलाने वाला है। तो संशोधन क्या करना है कि एक एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे सरकार की तरफ से कि ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास, इसलिए ये भीख मांग सकते हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मूर्खता का कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। दूसरा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके दुख दर्द दूर करने की थोड़ी भी मदद करता है तो ये अंधश्रद्धा है। आप मोहन महाराज के पास आए और कहा महाराज मुझे पेट में दर्द होता है, मोहन महाराज ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसा करो त्रिफला चूर्ण खा लो, नहीं तो जीरे का पानी पी लो, या कुछ बता दिया, तो ये अब अंधश्रद्धा हो जाएगी इस कानून के बाद। क्यों? इसलिए कि मोहन महाराज कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है तो ये बता नहीं सकते, बताएंगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, तो मोहन महाराज को भी जेल और वो पूछने वाले को भी जेल। ये दूसरा प्रोविजन है। तो अब आप अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून आने के बाद किसी साधु संत के पास जाके गलती से भी मत पूछ लेना कि महाराज मेरी ये समस्या का समाधान क्या है। आपको पूछना है उसी व्यक्ति से जिसको लाइसेंस है सरकार का कि भले वो आपकी गर्दन काट ले फिर भी पूछिए उसी को जाके, क्योंकि वो MBBS MD डॉक्टर है और उसको रजिस्टर्ड लाइसेंस है कत्ल करने का या किसी की जान ले लेने का। कल मुझे अतुल भाई ने बताया कि यहां एक गेटवेल नाम का हॉस्पिटल है, वहां कोई डॉक्टर चांडक है, उसने मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर डाला था, मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर लिया सिर्फ पैसे के लालच। वो तो जिनके घर का आदमी मरा वो थोड़े होशियार थे, चालाक थे, तो डॉक्टर को पकड़ लिया और 14 लाख में उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, नहीं तो डॉक्टर चांडक को जेल होने वाली थी। तो ये धंधा करने वाले MBBS MD डॉक्टर चलेंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून उनको सर्टिफिकेट देता है, मोहन महाराज नहीं चलेंगे या कोई साधु संत नहीं चलेगा इस काम के लिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून अगर सख्ती से लागू किया जाए तो हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी रहेगी। आप मंदिर में आए और यहां आपने प्रसाद लिया तो वो अंधश्रद्धा है। ऐसी ऐसी धाराओं के साथ ये कानून बनाया जा रहा है। अभी पास नहीं हुआ है, असेंबली में आया है, बहस की होने के बाद उस पर पास करने की तैयारी है। ये सब क्यों हो रहा है समझने की बात है। सरकार तो मुख्यमंत्री देशमुख हो या RR पाटिल, या ये अभी चला जाए कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो या दूसरा उप मुख्यमंत्री, सरकार तो निमित्त मात्र है। ये कानून भारत में आए इसके लिए अमेरिका का आदेश है। अमेरिका को क्या समस्या है भाई? दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें।